अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपसे आलू चिकन कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। अब इनको मैश कर लेंगे। ये देखें, आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसमें ये चिकन डाल देंगे। ये मैंने बॉयल करके इसे श्रेड कर लिया है। और बॉयल करते हुए इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक डाल के मैंने बॉयल किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई और 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 1 टेबलस्पून कटा हुआ पुदीना, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब इसके कबाब बनाएंगे। इस तरह हम गोल शेप में इसके कबाब तैयार करेंगे। ये देखिए, कबाब बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह दूसरा करेंगे। और इस तरह इनको गोल शेप देते जाएंगे। ये हमारा दूसरा कबाब भी तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखें, ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। ये 2 एग मैंने फेंट के रखे हुए हैं और ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और ये ब्रेड क्रम लिए हैं। मैंने 4 ब्रेड लेके उनको ग्राइंड कर लिया है। अब पहले एक कबाब लेके उसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे, फिर उसे एग में डिप करेंगे। दोनों साइडों से अच्छे से डिप कर देंगे। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। इस तरह हमने अच्छे से कोटिंग करनी है। ये कोटिंग हो गई है और एक कबाब बन के हमारा तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरा कर लेंगे। पहले मैदे की कोटिंग करेंगे, फिर एग में डिप करेंगे दोनों साइडों से अच्छे से, और उसके बाद ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। इसी तरह हमारा दूसरा कबाब भी तैयार हो गया है और ऐसे ही हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें कबाब डाल देंगे। ये देखें, कबाब मैंने डाल दिए हैं। अब इनको फ्राई होने देंगे। ये देखें, एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, सबकी साइड मैंने चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड भी फ्राई होने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें, कबाब हमारे दूसरी साइड से भी रेडी हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, सारे मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब इसी तरह दूसरे भी डाल देंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे। ये मैंने दूसरे भी डाल दिए हैं, अब इनको फ्राई होने देंगे। ये सारे कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें
और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।